हनुमान जी जब जाते हैं सीता जी के पास से सुंदरकांड में राम जी के पास ये सब संदेशा देते हैं नाम पाहरू, ये वहीं आता है सीता जी की स्थिति आखिर में सुंदरकांड में कि नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन जंत्रित निज पद प्राण जाए कई बाट। लेकिन आगे कह गए एक बात कि सीता का यति विपति विशाला बिनु ही कहे भल दीन दयाला। उन्होंने देखा था राक्षसियां तलवार निकालती थीं कि काट दूं सीता तो काट दूं, कहीं बल्लम निकाले पेट की ओर घुसा दूं मार डालूं। तो उन्होंने कहा कि सीता के अति विपत्ति विशाला बहुत विपत्ति सीता जी पे, बिनु ही कहे भल दीन दयाला बिना कहे कहना ठीक नहीं, इतना कष्ट। तो भगवान राम ने कहा बोले सीता को कभी कष्ट नहीं हो सकता, सीता नहीं संसार के किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं हो सकता अगर मन वचन कर्म उसका भगवान में है। काल हो महाकाल हो भोग हो प्रारब्ध हो कर्म हो दुर्भाग्य हो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ स्पष्ट सिद्धांत कहा है वचन काय मन मम गति जाही। वाणी मेरे में है, मन मेरे में है, शरीर से हमारे कर्म कर रहा है, शरीर से मतलब इंद्रियां सब। कभी सपने में मुसीबत नहीं आएगी भाई। लोग कहते हैं कोई जब चलता है साधु बनने इसका समय कैसे कटेगा, कोई भजन करने लड़की चलती तो लोग कहते हैं इसका समय कैसे कटेगा। अरे कैसे कटेगा, तुम जैसे हरि विमुख लोग समझते हो कि जीवाश्रय में सुख मिलेगा भोगों में सुख मिलेगा, तुम ये नहीं समझ सकते हो गृहस्थ हो चाहे साधु हो सुख का रास्ता यही है कि उसका उसकी वाणी उसका मन शरीर मन इंद्रियों का संघात भगवान में लग जाए अनंत काल के लिए खत्म। इससे ज्यादा कल्याणकारी रास्ता क्या हो सकता है, ऐसा ना कभी हुआ आज तक। ऐसा हुआ होता तो हम लोग भगवान से मिल जाते। इस रास्ते पे चलने के लिए जो आगे की चेष्टा कर रहा है उसको हटाना नहीं चाहिए बल्कि इसको किसी अच्छे सत्संग में पहुंचा देना चाहिए बस, जिससे इसकी भक्ति की वृद्धि हो जाए। ऐसा नहीं कि संसार में सत्संग नहीं है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ ढूंढो मिलेगा। मैं इसी बौरी रही रही किनारे बैठ, किनारे बैठे रहोगे तो मोती नहीं मिलेगा, जाओ ढूंढो। सही रास्ता यही है वचन का मन मम गति जाही। किसी को लौटालो मत, उससे कहो कि तू घर से चला है भाई, तो वाणी को लगा देना मन को लगा देना शरीर को लगा देना, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। अनंत काल के लिए भगवान बोले सपने बूझी विपत्ति की ताही। जागना तो दूर रहा, सपने में भी मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा सुंदर रास्ता है, मूर्ख प्राणी इस रास्ते से हटाता है। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।